दोस्तों आज से कुछ महीने पहले पतंजलि ने कोरोनिल टैबलेट के नाम से मार्केट में टैबलेट लॉन्च की थी और उसके ऊपर मार्केट में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। बट आज मैं वीडियो में उस बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं आज उन्हीं प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर क्या ये सच में इफेक्टिव है, क्या ये सच में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है, क्या इसके कोई नुकसान है या नहीं है, और मैंने इसको जो पर्सनली यूज किया तो क्या इसने सच में कोई इफेक्ट किया मेरे ऊपर, क्या सच में इसने कुछ वर्क किया। सो आज उन्हीं सब बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे आखिर इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या कंटेन करते हैं, कैसे क्या यूज किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा क्या इसने सच में मेरे ऊपर वर्क किया, क्या सच में इससे मुझे कोई फायदा हुआ, क्या सच में आपको ये खरीदना चाहिए, कैसे आपको यूज करना चाहिए, हर उस बात को आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी मेन है इसमें दिव्य कोरोनिल टैबलेट, ये जो आती है इसकी एमआरपी है 400 रुपीज। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंटेन क्या करती है और किस यूज में आती है, क्या प्रॉब्लम हो तब इन्होंने खाने के लिए बोला है। तो चलिए देखते हैं। इसकी एक टैबलेट का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 640 mg का। अब बात करते हैं उस 640 mg में क्या क्या कंटेन करती है वो टैबलेट। तो उसमें जो है आपका गिलोय वो 300 mg होती है, अश्वगंधा 250 mg होती है, तुलसी जो होती है वो होती है 50 mg, और साथ में ही इसमें कुछ एक्सपेरेंट्स मिले हुए हैं जैसे गम एकासिया 25 mg, टैल्कम 7.5 mg, एरोसिल आपका 6.5 mg है, और साथ में ही मैग्नीशियम जो है वो 1 mg मिला है। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स से इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सभी नेचुरल हैं, जो आप घरों में यूज करते वही हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिलाए जाते हैं साथ में टैबलेट को फॉर्म बनाने के लिए। और साथ में इसके अगर डोजेस की बात करें, डोज की बात की है, डोजेस में इन्होंने लिखा हुआ है 2 tablets twice a day, यानी कि एक दिन में आपको 2 tablets सुबह 2 tablets शाम में खाने के बोला गया है, और उन टैबलेट्स को गर्म पानी के साथ खाने के लिए कहा गया है खाने के बाद। और साथ में ये यूज क्यों करनी है आखिर कोरोनिल, उसके यूज के लिए इन्होंने लिखा है एज ए रसायन, आप इस टैबलेट को रसायन यानी कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्पेशली यूज करने के लिए बोला है रेस्पिरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको सही करता है ये। और साथ ही साथ आपके जितने भी टाइप के फीवर होते हैं, लाइक आपका वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, दोनों फीवर पे ये वर्क करती है। ये बात होगी कोरोनिल टैबलेट की। अब दूसरे का कंपोनेंट देखते हैं आखिर वो क्या कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं इनकी स्वासरी वटी, दिव्य स्वासरी वटी, इसकी एमआरपी है 120 रुपए। अब बात करते हैं कि आखिर इनके कंपोजिशन क्या है, ये क्या कंटेन करते हैं इसमें। तो इनके कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, इसमें काफी कुछ मिला हुआ है। इसमें एक टैबलेट 540 mg कंटेन करती है, और क्या क्या कंटेन करती है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कितनी सारी आयुर्वेदिक चीजों का मिश्रण है ये। साथ में इस टैबलेट को लेने के लिए उन्होंने बताया है कि 2 से 6 tablets twice a day, यानी कि अगर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है तो 2 tablets थोड़ा सा ज्यादा है तो आप 6 tablets सुबह शाम ले सकते हैं। इसके इंडिकेशन में इन्होंने दिया है कि किस चीज के लिए यूज करना है, तो लिखा है कासा एंड स्वासा, यानी कि अगर किसी को थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर गले में खराश वगैरह काफी है, उनको नाक बह रही है, इन सब चीजों के टाइम पे ये काफी वर्क करेगी, तो उसके लिए भी इन्होंने ये दे रखा है। अब बात करते हैं लास्ट वन जो ये साथ में है, दिव्य अड़ुतेल, ठीक है, अनुतेल, ये क्या है, इसको डालने के लिए नाक में, एक एक ड्रॉप नाक में डालने के लिए होता है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन क्या की ये क्या क्या कंटेन करता है। भाई इसका भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत लंबी सी लिस्ट है, एक एक को पढ़ूंगा अगर तो मैं मिनट दो मिनट शायद पढ़ने में ही निकल जाएंगे। सो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके सारे के सारे कंपोजिशन पढ़ सकते हो। आप इसमें यूजर्स लिखा है कि कब यूज करनी है, यूजफुल इन शिरोरोगा, यानी कि किसी को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी या किसी को स्मेल नहीं आ रही है, दैट टाइम आप इसको अपनी नाक में एक एक ड्रॉप सुबह शाम डाल सकते हैं। ये बात हो गई कि ये तीनों कंपोजिशन आखिर अपने अंदर कंटेन क्या करते हैं। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे कि आखिर क्या सच में ये इफेक्टिव है, क्या इन्होंने सच में वर्क किया, ये वर्क करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे साथ में प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई। फर्स्ट मुझे कोल्ड हुई, कोल्ड होने के बाद में मेरी रनी नोज हुई, तो मैंने एक कोल्ड की एक टैबलेट ले ली और मेरी रनी नोज ठीक हो गई। बट नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा हेडेक काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे, वीकनेस काफ़ी फील होने लगी थी, और सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे सेंस ऑफ स्मेल है यानी किसी चीज़ की खुशबू आना वो काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो गया, और मुझे लगा शायद मे बी सर्दी हुई इस वजह से है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। बट एट द नेक्स्ट डे जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे स्मेल आ ही नहीं रही बिल्कुल, बट मैंने चेक किया मुझे फीवर नहीं था, तो आई थॉट कि सच में मे बी ये सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे तो मैं श्योर नहीं था कि ये कोरोना है या नहीं है। दैट टाइम मैंने खुद को आइसोलेट कर रखा था अलग, और उस टाइम मैं कोरोनिल टैबलेट ले रहा था और साथ में एक विटामिन सी की टैबलेट मैंने ली, इसके सिवा मैंने कोई मेडिकेशन यूज नहीं किया था। और मुझे रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे फीवर नहीं आया था बट मुझे वीकनेस लगती थी थोड़ी सी, और हेडेक काफ़ी रह रहा था और स्मेल नहीं आ रही थी, स्मेल शायद 5-6 days तक स्मेल नहीं आई थी, उसके बाद स्मेल वापस आ गई थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हाँ, मैं
वर्कआउट जरूर करता था। मैंने वर्कआउट किया रेगुलर शाम में, रेगुलर इवनिंग में मैंने वर्कआउट, शायद जब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगी तो दो दिन मैंने नहीं किया था, बट बाकी मैं रेगुलर वर्कआउट करता रहा। और मैंने इन्हें लिया, आई थिंक इन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट करने में सच में मेरे फ़ायदा किया, इम्यूनिटी बूस्ट की, क्योंकि मुझे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे, मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। और जब भी आपको माइल्ड सिम्टम्स लगते हैं दैट टाइम आपको तुरंत टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स जब भी आपको लगें आप अपने आप को अलग रूम में आइसोलेट कर लें।